नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू पुलिस ने माओवादियों की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़े हमले की योजना बना रहे माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई है। बरामद हथियारों में अमेरिका और सर्बिया में बनी गोलियां भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल माओवादी चुनावी हिंसा के लिए करने की तैयारी में। पुलिस ने यह बरामदगी पिपरा थाना क्षेत्र के झरना पहाड़ी इलाके से की है, जहाँ माओवादियों ने अपने हथियारों को छिपा कर रखा था। पुलिस ने मौके से एक 303 राइफल और 914 राउंड 0.22 mm की गोलियां और अन्य विदेशी गोलियां बरामद की हैं। इन गोलियों पर अमेरिका और सर्बिया में बने होने के संकेत मिले हैं, जो माओवादियों की अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा बरामद हथियारों में SPRG EPU लिखे हुए 54 और SNG लिखे हुए 26 गोलियां भी बरामद हुई हैं। आपको बता दें, माओवादी विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे। SP रिश्मा रमेशन ने बताया कि माओवादियों के पास से बरामद राइफल पुलिस से लूटी गई थी और उसका इस्तेमाल चुनावी हिंसा में किया जा सकता था। हथियारों के इस जखीरे को 15 लाख के इनामी माओवादी नितेश यादव, 10 लाख के इनामी संजय गोदराम और इंताज अंसारी और हिंगन ने इकट्ठा किया था। बरामद गोलियों पर कुछ विशेष कोड और नंबर लिखे हुए थे। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि ये गोलियां अमेरिका और सर्बिया में निर्मित हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले की गहराई से फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है, ताकि हथियारों के स्रोत और माओवादियों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पता लगाया जा सके। SP रिश्मा रमेशन ने बताया कि बरामद 0.22 mm की गोलियों का इस्तेमाल लैंडमाइंस और मोर्टार बनाने में किया जाता था, जो माओवादियों के खतरनाक मंसूबे को दर्शा रहा है। इन गोलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर चुनावी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि पलामू पुलिस ने माओवादियों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। छापेमारी अभियान में SDPO अवध किशोर यादव, इंस्पेक्टर द्वारिका राम, थाना प्रभारी विमल कुमार और जगुआर टीम ने प्रमुख भूमिका निभाई। पलामू पुलिस की कार्रवाई ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पिपरा थाना अंतर्गत चेरोधाम, पिपरा से चेरोधाम जाने वाले रास्ते में झरना पहाड़ के पास में कुछ आर्म्स और एम्युनिशंस का डिपॉजिट होने का हम लोगों को बात पता चला था। तो इसी के सत्यापन और एरिया डोमिनेशन सर्च एक्सरसाइज के लिए SDPO छतरपुर और इंस्पेक्टर छतरपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसको लीड कर रहे थे पिपरा थाना प्रभारी और पिपरा के बाकी ऑफिसर्स और JAP-8 का सशस्त्र बल और साथ में झारखंड जैगवार का असॉल्ट ग्रुप 41। तो वो सर्च ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को एक 0.303 राइफल बरामद हुआ है, 80.303 का जिंदा कैटरेज बरामद हुआ है और साथ में 914.22 mm का भी कैटरेज बरामद हुआ है। एक स्टील का डब्बे में ये सब कैटरेजेस और ये हथियार जो है मिट्टी में गाड़ा हुआ मिला था। ये बेसिकली इलेक्शंस को देखते हुए हम लोग अपना सर्च ऑपरेशंस और एरिया डोमिनेशन ऑपरेशंस को जो है इंटेंसिफाई किया है। और ये 0.22 का जहाँ तक बात है, इसको बेसिकली IED लगा के इसको स्प्लिंटर के रूप में IED में लगाने के लिए प्रोजेक्टाइल के छोटे शॉर्ट डिस्टेंस के प्रोजेक्टाइल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। और साथ में मोर्टार में भी इसको बाइंड करके मोर्टार गोला के फॉर्म में भी उसको यूज़ किया जा सकता है।